खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आगामी 14 फरवरी को होने हैं। पूरे प्रदेश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जहां 21 जनवरी को नामांकन होने हैं। वहीं एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी लक्सर विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस पर क्षेत्र विधायक पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसमें सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता दिख रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों मौन बैठे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। और इसमें एक सीविजल ऐप भी है जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं से इस तरह की शिकायत संज्ञान में आती है, तत्काल कार्रवाई करके उसमें अपडेट करना होता है। जैसा आपने बताया कि कुछ प्रकरणों में छूट गया है तो संबंधित टीमों को बता दिया जाएगा और ये पोस्टर बैनर जो भी स्ट्राइक पाए जाते हैं उसे भी हटवाकर कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस के बारे में आपने बताया, इसमें संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर ली गई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसे तत्काल हटा दिया जाएगा और अगर इनके द्वारा अभी भी इसमें कोई ढिलाई बढ़ती जाती है तो उनके भी कार्रवाई।